सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। बीटीएससी जेईई रिजल्ट को लेके, रिव्यू केस को लेके, फाइनल ज्वाइनिंग से संबंधित जितने प्रश्न आप लोग पूछे थे सारे प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और एक एक प्रश्न के जवाब हम आपको देने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 2019 वैकेंसी क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ बीटीएससी जेईई की न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारे प्रश्न का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जेईई 01/2019 न्यू केस अपडेट रिवाइज मेरिट रिजल्ट नवंबर में न्यू केस अपडेट, केस हुआ है या नहीं, 2379 बीटीएससी जेईई की ज्वाइनिंग दिसंबर में। तो चलिए एक एक प्रश्न के हम आपको जवाब दे रहे हैं। पहला सवाल आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पे है, रिवाइज मेरिट, यहां से देख लीजिए क्या है रिवाइज आपको मेरिट रिजल्ट नवंबर में। ये तो हम पहले बता दिए, ये रिजल्ट आपको नवंबर में देखने को मिलेगी क्योंकि 23 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक जो दिव्यांगता जांच था वह जांच समाप्त हो गई है, हर चीज हो गई है, अब आयोग रिजल्ट बनाने में लग गया है। ठीक है, ये छठ पूजा बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी, छठ पूजा बाद आपको रिजल्ट ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। अगला देख लीजिए, न्यू केस अपडेट, केस हुआ है या नहीं है, रिव्यू केस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको भी पता होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बीटीएससी एनएम 10709 का केस लड़ रहे हैं, टोटल दो दो हम लोग सीनियर एडवोकेट को रखे हैं और 4 जूनियर एडवोकेट को हम लोग रखे हैं, तो टोटल हम लोग 6 एडवोकेट को रखे हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में हम लोग केस जीते हैं, हम लोग डबल बेंच में केस जीते हैं क्योंकि हम लोग 2018 की नियमावली पर, ठीक है, सिंगल बेंच डबल बेंच में हम लोग केस जीते हैं पटना हाईकोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीतेंगे केस, सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीतेंगे। और बीटीएससी एनएम 10709 जो वैकेंसी है, ये जो 709 वैकेंसी है, ये भी आपको 2018 मतलब पुराना नियमावली पर क्लियर होगी। ठीक है, तो सभी हम लोग एडवोकेट से पता किए, हर चीज किए हैं, तो अभी तक रिव्यू फाइल नहीं किया गया, समझे कि नहीं, अभी तक कोई रिव्यू फाइल नहीं किया गया, कोई अभी इस पर केस नहीं किया गया, न्यू फाइल नहीं किया गया है, इसीलिए अगर जो भी सोशल मीडिया पे बता रहा है वो गलत बता रहा है। इससे पहले लोग प्रोसेस में था, हाँ होगा, हाँ करेंगे, तो हम आपको बोले थे रिव्यू फाइल हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, लोग फिर से आप जो है बैठ गए। इससे पहले हम आपको बोले थे, क्योंकि इससे पहले फिर से हम अपने एडवोकेट से पता किए, हर चीज किए, बोले हाँ ये चर्चा हो रही है, हर चीज हो रही है, रिव्यू फाइल होगी, समझे, फिर से हम कल से बच्चे लोग परेशान है सर इस पर वीडियो बनाइए, क्लियर कट बताइए हर चीज, तो नाइट में भी हम आपको बोले थे यार, 12 बजे भी हम आपको बोले थे, जो 4 बजे के बाद हम आपको वीडियो बना के अपडेट देंगे, तो कोई अभी तक रिव्यू नहीं फाइल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लोग जो है आपसे चंदा ले रहा है। हम बार बार कह रहे हैं आपको चंदा चोर से सावधान, आपको नहीं रहना है तो आप लोग से पेमेंट ले लिया जाएगा, समझे, लोग सोच रहा है रिव्यू फाइल करेंगे, समझे, बट अभी तक हुआ नहीं है, समझे कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बेहतर हम जो है हमसे ज्यादा आप लोग नहीं जान पाइएगा, क्योंकि हम केस अभी लड़ रहे हैं, हम लोग केस लड़ रहे हैं, हमें पता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हर एक केस के बारे में पता है, और सीनियर एडवोकेट आपको पता है, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को जानते हैं, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कोई रिव्यू फाइल नहीं हुआ, कोई न्यू अभी केस नहीं हुआ, इसीलिए अगर कोई अभी सोशल मीडिया पे बता रहा है तो वो आपको गलत बता रहा है, इसलिए आंख मूंद के आपको ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना, तो बार बार हम आपको कर रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता, समझे कि नहीं, लोग इससे पहले कह रहा था रिव्यू फाइल करेंगे, हम लोग अपर कोर्ट में जाएंगे, लोग बोल रहा था, समझे, कागजात लोग रेडी कर रहा था, हर चीज कर रहा था, इसलिए हम आपको बोले थे रिव्यू फाइल हो रही है, समझे कि नहीं, और अभी हम आपको बता रहे रिव्यू फाइल नहीं हुई है, कोई अभी केस नहीं हुई है, कोई फाइल अभी नहीं रिव्यू किया गया, ठीक है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रही है, समय से आपको नवंबर में रिजल्ट आ रहा है और दिसंबर में आप लोग को ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा, दिसंबर में हर हाल में आप लोग को ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जो परेशान है रिव्यू फाइल को लेके, बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया में बता रहे हैं ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रही है, ठीक है, खुदा ने खास से हम आपको ये भी बता दिए, अगर मान लिया रिव्यू फाइल होती है, हर चीज होती है, तो कुछ नहीं होगी, मेजर इशू होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार जजमेंट दे दिया है तो जजमेंट चेंज नहीं होगी, समझे कि नहीं, पटना हाईकोर्ट नहीं है, इसलिए याद रखिएगा हमेशा, अगर कोई आपको, ठीक है, चंदा मांग रहा है जो हम ये आपको न्याय दिलाएंगे, तो चंदा चोर से आपको सावधान रहना है, नहीं तो अपना पेमेंट अगर आपको बहुत ज्यादा हो गया है तो गरीबों में दे दीजिए, समझे कि नहीं, और इसलिए आपको सावधान रहना है, नवंबर में आपको रिजल्ट आ रही है, दिसंबर में हर हाल में आप लोग को ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा, समझे, इसीलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, आयोग की आपके मन में जो भी डाउट था बीटीएससी जेईई
वैकेंसी को लेके, तो पूरा डाउट हम आपको क्लियर कर दिए, क्योंकि आयोग अपना काम कर रहा है। 23 आपको जो है आपको पता होना चाहिए, 23 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आपको दिव्यांगता जांच आयोग करवाए, उसके बाद अभी आयोग आप रिजल्ट बनाने में लग चुके हैं, समझे कि नहीं। तो ये छठ पूजा बाद आपको रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो भी मतलब आपत्ति दर्ज करवाया जाएगा या कुछ भी करवाया जाएगा, हर चीज करवाया जाएगा, वो एक सप्ताह के लिए रहेगा। उसके बाद आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग आपको दिसंबर में करवा लिया जाएगा, ठीक है। यही पूरा फंडा है, यही बीटीसी जेई को लेके आपके मन में जो डाउट था, सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किए। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो नाइट में 9 PM में आप हमसे लाइव जुड़ेंगे इसी चैनल पे, 9 PM में हम फिर लाइव आएंगे, समझे कि नहीं। क्योंकि अभी NM का क्लास करवाते हैं, 12 बजे दिन में करवाते हैं, नाइट में 9 PM, इसीलिए अगर फिर भी कोई सवाल है आपके मन तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे और 9 PM में आप लोग लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। आप लोग जितना सवाल पूछे थे बीटीसी जेई रिजल्ट को लेके, जो भी सवाल था सारे सवाल का हम जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करा, नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही और भी कोई सवाल होगा या बीटीसी जेई रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।